अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज़ में सभी का स्वागत है। आइए देखते आज की टॉप 10 न्यूज़। वैरायटी सुपर बाजार, आपकी जरूरत का हर सामान अब किफायती दामों में। भिवंडी का अपना सुपर मार्केट जहाँ आपको मिलेंगे जेंट्स वेयर, किड्स वेयर, बाथरूम आइटम्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, ड्राई फ्रूट्स, चॉकलेट्स, मसाले, ग्रोसरी, शो पीसेस और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर विजिट कीजिए वैरायटी सुपर बाजार एट सोहम सोसाइटी, हाफिज जी बाबा दरगाह, खड़क रोड, भिवंडी। भिवंडी AIMIM के कार्यकारी अध्यक्ष शादाब उस्मानी ने कार्यकर्ता सम्मेलन में कहा कि अगर 2022 भिवंडी इलेक्शन में AIMIM की जीत हुई तो 400 स्क्वायर फीट से कम घर वालों का होगा प्रॉपर्टी और टैक्स माफ। 15 दिनों से चल रहा 22वें बाली ट्रॉफी का हुआ समापन, जहां चार फॉर्मेट्स में खेले गए मैचेस, जिसमें पूरे इंडिया से 172 टीम ने पार्टिसिपेट किया था। टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर अल्ताफ बाली का कहना है कि बाली ट्रॉफी इंडिया का सबसे बड़ा टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट है। मुलुंड टाटानगर में रहने वाले रवि किरण के घर में रिनोवेशन का काम चल रहा था। उस वक्त घर में 20 लाख के सोने चांदी के जेवरात रखे हुए थे, जिसको काम करने वाले वर्कर्स ने मौका देखते हुए हाथ साफ कर दिया। नावघर पुलिस ने छानबीन में किया आरोपी को गिरफ्तार और 380 के तहत मामला दर्ज कर रही है जांच। मुंबई CP संजय पांडे ने रॉन्ग साइड ड्राइविंग, खटारा गाड़ी, ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन करने को लेकर सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया था, जिसके चलते रॉन्ग साइड पर 19 दिन में 1900 FIR हुई दर्ज। वहीं बिना हेलमेट वाले 53,000 पर भी हुआ मामला दर्ज। संजय पांडे के आदेश अनुसार रोड पर पड़ी करीब 4,000 खटारा गाड़ी को भी ठिकाने लगाया गया। मुंबई कांग्रेस के प्रोग्राम में कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट इमरान प्रतापवाड़ी के साथ महाराष्ट्र मिनिस्टर असलम शेख और एजुकेशन मिनिस्टर वर्षा गायकवाड़ ने बांद्रा के रंग शारदा हॉल में पब्लिक के सामने तलवार दिखाया, जिसको लेकर BJP लीडर मोहित कमोज ने बांद्रा पुलिस स्टेशन में कराई FIR दर्ज और कहा, तलवार दिखाने पर मुझ पर भी हुआ था केस दर्ज। बांद्रा पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत किया मामला दर्ज। एक साथ हेल्थ सेंटर पहुंचे 700 लोग। पागल कुत्ते ने भैंस को काट लिया था, जिसके कारण भैंस और उसका बच्चा दोनों मर गए। ये देख लोगों में हड़कंप मच गया, क्योंकि उसी भैंस के दूध से बने खीर को ये 700 लोगों ने खाया था। हेल्थ सेंटर में रेबीज के वैक्सीनेशन के लिए लगी लंबी लाइन। दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल ने सिग्नल पर भीख मांगने और बेचने वाले बच्चों के लिए लिया बड़ा फैसला। इनकी अच्छी सेवा और शिक्षा के लिए पास किया 10 करोड़ रुपया। स्टेट ऑफ आर्ट स्कूल में होगा यह पैसा जमा, जिससे उज्जवल भविष्य बना सकते हैं बच्चे। बिहार के CM नीतीश कुमार बख्तियारपुर में एक प्रोग्राम में शामिल हुए थे। वहीं एक शख्स सिक्योरिटी की नज़रों से बचकर नीतीश कुमार को थप्पड़ मार देता है। तुरंत सिक्योरिटी और पुलिस ने उसे धर दबोचा। पुलिस थप्पड़ मारने का कारण जानने की कर रही है जांच। RRR मूवी ने इंडियन सिनेमा में रचा इतिहास। वर्ल्ड वाइड रिलीज में 500 करोड़ की कमाई की सिर्फ 3 दिन में। इंडियन सिनेमा में अब तक की हाईएस्ट ओपनर मूवी है। KGF चैप्टर 2 भी हो सकती है रेस में। आज सेंसेक्स 231 अंकों की बढ़त के साथ 57,593 पर हुआ बंद। वहीं निफ्टी 69 अंकों की बढ़त के साथ 17,222 पर हुआ बंद। गोल्ड 51,600 पर ट्रेड करते हुए, सिल्वर 68,176 और क्रूड ऑयल 8,115 पर ट्रेड करते हुए। भिवंडी की लेडीज के लिए खुशखबर, रूमी कलेक्शन आपके लिए लाए हैं 23 और 24 मार्च को एग्जीबिशन सेल, जहां आपको मिलेंगे कॉटन ड्रेस मटेरियल, कुर्ती, पाकिस्तानी सूट, ज्वेलरी, स्टोल, बेडशीट्स और एसेसरीज। नियर चांदारा मस्जिद, सेकंड निजामपुरा, भिवंडी।